आज मैं अपने चैनल जॉब फॉर ऑल की तरफ से आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि सिंध गवर्नमेंट ने PST और GST के लिए सिलेबस अनाउंस कर दिया है, लेकिन अभी इसकी जॉब आना बाकी है। आज की वीडियो में हम इसका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे और इसकी क्वालिफिकेशन भी क्या हो सकती है इन पोस्ट के लिए, PST और GST के लिए। और इसके अलावा इसके सिलेबस से जुड़ी बाकी जो भी मालूमात हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। सिंध एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट का सर्कुलर है जो कि 17 दिसंबर 2020 को आया है। आज 20 दिसंबर 2020 है, यही सर्कुलर जंग न्यूज़पेपर और डॉन न्यूज़पेपर में मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सर्कुलर में लिखा है, सिंध एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध इंडी टू रिक्वायर्ड रिक्रूट प्राइमरी स्कूल टीचर्स, मतलब PST की जॉब है, इसमें BPS 9 के लिए है, जबकि जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर JEST BPS 14। उसका सिलेबस में साइंस है, मैथ्स है, जनरल नॉलेज है, इंग्लिश है, मदर टंग्स एंड सोशल स्टडीज इंक्लूडिंग इस्लामियत। इसमें जो भी सब्जेक्ट दिए हैं उन सब सब्जेक्ट में अगर 45% मार्क्स मतलब कोई लेगा या ओवरऑल 55% मार्क्स ऑप्ट करेगा तो वो नेक्स्ट स्टेज में मतलब पहुंच पाएगा इंटरव्यू तक। अब इसमें बुक्स भी लिखी हैं, बुक्स क्लास 1 से लेकर 8 क्लास तक की प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए, जबकि दूसरी है 6 क्लास से मैट्रिक या 10th क्लास जूनियर स्कूल टीचर के लिए। उसके अलावा ये तमाम बुक्स आप सिंटेक्स बुक बोर्ड की वेबसाइट से ईजीली डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। उससे आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके वेबसाइट पर जा सकते हैं। उसके अलावा PST जो कि BPS 9 है, इस पर कम से कम भी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट तो होगी, जबकि जूनियर स्कूल टीचर या जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए ग्रेजुएशन मांगा जाएगा। और ये एग्ज़ाम IBA सखर कंडक्ट करेगा लास्ट ईयर की तरह। इसके अलावा इस दफ़ा सुनने में आया है कि इसमें BEd की शर्त, BEd और MEd की शर्त को ख़त्म किया जाएगा। अब देखते हैं कि जॉब अनाउंस होती है तो पता चलेगा सही कि BEd MEd की शर्त ख़त्म की गई है कि नहीं गई। इसलिए भी लास्ट ईयर जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की लेक्चरर की जो जॉब आई थी
उसमें भी बीएड एमएड की शर्त को ख़त्म किया गया था। देखते हैं कि इन जॉब्स के लिए भी बीएड एमएड की शर्त को ख़त्म किया जाता है कि नहीं। अगर बीएड एमएड की शर्त को अगर ख़त्म कर दिया जाता है तो ये सबके लिए अच्छी बात होगी। जिन्होंने बीएड एमएड नहीं किया, सिंपल इंटायर ग्रेजुएशन किया है, वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कर सकेंगे। शुक्रिया।